साक्षी। चलिए बात करते हैं दिन भर की टॉप 10 खबरों के बारे में। मणिपुर में दो लापता छात्रों की हत्या के बाद तनाव, प्रदर्शन में 54 स्टूडेंट्स घायल, आज जांच के लिए सीबीआई जाएगी इम्फाल। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 5 दिनों के लिए इंटरनेट बैन, स्कूल भी बंद। पीएम मोदी ने गुजरात में रोबोट प्रदर्शनी का किया दौरा, इस दौरान पीएम को रोबोट ने पिलाई चाय। G20 के दौरान नशे में धुत थे ट्रूडो, विमान में मिली थी कोकीन, पूर्व भारतीय राजनयिक का बड़ा खुलासा। ग्रेटर नोएडा से उत्तर प्रदेश ने रचा इतिहास, इंडियन MotoGP से हुआ 933 करोड़ रुपए का कारोबार, योगी आदित्यनाथ का पूरे विश्व में बजा डंका। UNGA में बोले एस जयशंकर, अब कुछ देशों का एजेंडा नहीं चला सकते, ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी पड़ेगी। CM योगी आदित्यनाथ ने SP को लगाई फटकार, कहा छात्रा का दुपट्टा खींचा गया, तुम आरती उतार रहे थे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति का हुआ कार एक्सीडेंट, हाथ पैर में लगी चोट। माफिया अधीक के बेटे उमर अली समेत 4 पर अपहरण और वसूली के मामले में चार सीट हुई दाखिल। एशियन गेम्स में मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सागवान की टीम ने किया कमाल, भारत को शूटिंग में दिलाई गोल्ड मेडल। भारतीय घुड़सवारों ने रचा इतिहास, 41 साल बाद जीता गोल्ड मेडल, झोली में कुल 14 पदक। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए आज तक भारत के साथ।